अरे भैया, अरे साइड में क्या हो यार, 10 साल में कुछ नहीं किए, बार बार बिहार आ रहे, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन 10 साल उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, कुछ नहीं ना, हमको चाहिए ना, अगला 5 साल क्या करेंगे, तो भारत क्या कर रहे हैं आप लगातार, तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम कहते रहे शुरुआत से ही। अब देखिए बात जो है, प्रधानमंत्री बार बार आरक्षण कहते हैं कि आरजेडी वाले खत्म कर देंगे, प्रधानमंत्री जी की भाषा जैसे जैसे चुनाव बढ़ रही है छोड़ो वैसे वैसे गिरावट आ रहा है उनकी भाषा, और उनकी भाषा माफ कीजिए हम छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आप ऐसे देख रहे हैं बिहार में आकर की जो भाषा बोलते हैं, बिहार एक लोकतंत्र की जमीन है और यहाँ के लोग उनकी भाषा को पसंद नहीं करते, चाहे उनके भी समर्थक क्यों ना हो, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे प्रधानमंत्री जी, उस भाषा को लोग पसंद नहीं करते। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, आप सब लोग गवाह हैं, हम लोग जब जाति आधारित गंगा के लिए, हम तो खुद प्रधानमंत्री से गए थे मिलने, जाति आधारित गंगा कराने का क्या मतलब था कि ताकि हमारे पास साइंटिफिक डेटा है और डेटा के हिसाब से हम आरक्षण बढ़ाए, तो मकसद तो यही था कि आरक्षण बढ़ाया जाए, और हम आपसे मिले पूरा प्रतिनिधि मंडल गया विधानसभा का, हर दल के लोग गए, और आपने जो है लिखित में मना कर दिया कि आप जो है जाति आधारित गंगा नहीं कराइएगा, क्यों किया, यानी आप ये साबित करता कि आप आरक्षण विरोधी हैं, और जो हम लोगों ने किसी भी बीजेपी शासित राज्य में अगर 75% आरक्षण होता आप हमको बता, हमने 17 महीने में 75% आरक्षण जो है हम लोगों ने करने का काम किया, कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में है ये नहीं है, तो यहाँ आके झूठ बोलने से नहीं होता, हम लोग जो है कर्पूरी जी के, लोहिया जी के, अंबेडकर जी के वंशज हैं, और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भाई वो आरक्षण हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों ने तो बढ़ाने का काम किया 75%, और तो और हमारे पास जो सूची है जो ये कहते हैं कि डाका डाल देगा ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें चाहे कोई धर्म के हो, पिछड़ापन के आधार पे गुजरात में भी जो है 70 से 75 मुसलमान 25 जातियों को जो है आरक्षण मिल रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी को इतना भी जानकारी नहीं, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है ये बात, अगर नहीं है आप लोगों के पास भी, पत्रकार भाइयों के पास भी नहीं, तो हमसे ले लीजिए और प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए कि कैसे चल रहा है फिर, तो ये केवल आप कहेंगे कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण किसने खत्म किया, कौन थे गवर्नर जिसने रद्द किया, वही थे भाजपा के लोग थे, और यहाँ भी आप शेड्यूल 9 में नहीं डाल रहे, हमारा जो 75% आरक्षण है उसको भी आप खत्म करना चाहते, ये जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, अब तो वो जातियों का नाम ले रहे हैं, आज उन्होंने जातियों का नाम ले लिया कि यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, तेली हो, सबके वो नाम ले रहे हैं जातियों। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, मंडल कमीशन को लागू करवाया, लोगों को जो शोषण जिनका होता था उनको आगे बढ़ाने का काम किया, कैसी बातें करते, प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, संविधान का बेसिक भी पता नहीं है प्रधानमंत्री, पता होना चाहिए, हम छोटे हैं लेकिन कम से कम पता करके आना चाहिए कि क्या बात है नहीं है, जब मंडल कमीशन, जब मंडल के खिलाफ ये लोग जो आरक्षण विरोधी यात्रा निकाल रहे थे, तो आरक्षण विरोधी यात्रा में तो सारथी बने हुए थे अडवाणी जी के, मंडल के खिलाफ थे ये, और ये आकर के हम लोगों को ना पढ़ाए, आप शेड्यूल 9 में करो ना, क्यों नहीं किया ये बताओ, और 17 महीने में हम लोगों ने सबका ईबीसी ओबीसी एससी एसटी सबका हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 75%। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में आपको भी कह रहे हैं, कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनने की बात होगी तो लालू जी के बेटे और बेटियां भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बौखलाहट में हार का डर है, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।